सूर्य उपासना का महान पर्व छठ पूजा को पूरे बिहार में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सिवान में भी छठ पर्व की एक अलग ही महत्ता है। सिवान वासी भी काफ़ी धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। छठ पर्व पर देखिए बिहार न्यूज एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट। हम खड़े हैं जीरादेई प्रखंड के सोन नदी पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा मनाई जा रही है। और काफ़ी दूर से लोग जो यहाँ से बाहर जाके स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, अपने परिवार की परवरिश के लिए बाहर जाके कमाते हैं, वो सारे लोग गांव आते हैं और गांव आके इस पवित्र पूजा को करते हैं। और ये आप देख सकते हैं, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाइए कैसे ये सब पूजा, यहाँ पूजा की तैयारी हो चुकी है, पूजा लगभग शुरू हो चुकी है और काफ़ी दूर से जो लोग आए हैं मैं उन्हीं से बात करवाता हूँ कि ये पूजा आके क्यों मनाया जाता है और बिहार में इस पूजा की क्या महत्वता है। तो हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आप सीधा आप उन लोगों से बात करवाइए जो गांव में नहीं रहते हैं और गांव से बाहर जाकर ये चीज करते हैं। आपको सबसे पहले ये बताइए कि आप छठ पूजा में शामिल हो रही हैं, पहली दफा शामिल हो रही हैं, बाहर से आई हैं, राजस्थान से आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा मतलब एक जो पूजा है बिहारियों के लिए बहुत पवित्र पूजा है, इससे पहले कभी कभी आपने सुना था या देखा था कुछ उसके तो आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि ये बहुत इनको इंजॉयफुल एक तरीके से रहा, बहुत ये खुश हैं और ये कोशिश कर रही हैं कि ये चीज़ भी अपने वहाँ जाके बताएं लोगों को कि आखिर पूजा की महत्वता क्या है। एक और यहाँ पे लेडीज खड़ी, पूजा के पीछे का पूरा मकसद क्या होता है, किन लोगों के लिए पूजा की जाती है और पूजा में पूजा का रीति रिवाज कैसा है, पूजा किस विधि से की जाती है? मैं सीधे बात करवाता हूँ आपसे, आप बताइए आखिर पूजा क्यों की जाती है और पूजा पूजा की महत्वता क्या है? बैठ जाओ आखिर नहीं ये चीज़ मुझे बताइए कि पूजा जो है आखिर हम लोग इतने धूमधाम से मनाते हैं, किस तरीके से आप लोग इसको व्रत को करते हैं और कितनी पवित्रता के साथ इस पूजा को मनाया जाता है? चुप मैं ना हाँ? मैं राइट साइड से मेरा फोन निकाल रहा तो आप ये सुन सकती हैं कि इन्होंने कहा कि पति के लिए, बच्चे के लिए इस पूजा को मनाया जाता है, सुख शांति के लिए मनाया जाता है। और दो दिन का व्रत जो कि कल से शुरू हो रहा है और कल सुबह तक ये चलेगा, कल सूर्य अर्घ होने के बाद इस पूजा की समाप्ति होगी। पल पल की अपडेट के साथ मैं अभिषेक शर्मा, बिहार न्यूज सिवान।
जितने भी सिवनवासी उनको जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत बधाई। और जो छठ है वो एक प्रकाश का पर्व है, साथ साथ ही अनुशासन का पर्व है। और इस पर्व के द्वारा मतलब लोगों को सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से हम संयमित रहें और शांतिपूर्वक किस तरह से अपने